यूरिया एक वाइट क्रिस्टलाइन कंपाउंड है। आज उसके कुछ कन्फर्मेटिव टेस्ट हम देखेंगे। सबसे पहले कॉपर फॉइल लेके उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करके ग्रीन फ्लेम को रिमूव करेंगे। बाद में यूरिया को कॉपर फॉइल पे रख के उसको ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करेंगे, तब ग्रीन फ्लेम मिलती है जो एक एक्सेप्शन है। अब पोर्सेलिन पीस को ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करके इम्प्योरिटीज रिमूव करेंगे। बाद में पोर्सेलिन पीस पे यूरिया को रख के ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में गर्म करते हैं, तब नॉन सूटी फ्लेम मिलती है, यानी कि यूरिया एक एलिफेटिक कंपाउंड है। थोड़ा यूरिया कंपाउंड टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें पानी ऐड करेंगे और टेस्ट ट्यूब को शेकिंग करने से यूरिया पानी में डिजॉल्व हो जाता है, यानी कि यूरिया एक वाटर सोल्यूबल कंपाउंड है। यूरिया के एक्वियस सॉल्यूशन को टेस्ट ट्यूब में लेके उसमें कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऐड करेंगे। कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड ऐड करके थोड़ा सेकिंग करने से यहाँ यूरिया नाइट्रेट के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। यूरिया नाइट्रेट के वाइट प्रेसिपिटेट हम देख रहे हैं। अब बायूरेट टेस्ट के लिए एक ड्राई टेस्ट ट्यूब में थोड़ा कंपाउंड यूरिया लेंगे और उसको गर्म करके कंपाउंड को मेल्ट होने तक गर्म करेंगे। यूरिया को टेस्ट ट्यूब में मेल्ट करने के बाद उसमें पानी ऐड करके उसको पानी में डिसॉल्व करेंगे। बाद में उसमें 1% कॉपर सल्फेट का एक्वियस सॉल्यूशन के 1 से 2 ड्रॉप ऐड करेंगे। उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करने से सॉल्यूशन वायोलेट कलर का होता है, जिसको बायूरेट टेस्ट कहते हैं। अब एक टेस्ट ट्यूब में यूरिया का सैचुरेट सॉल्यूशन लेके उसमें ऑक्जेलिक एसिड का सैचुरेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे और बराबर सेकिंग करेंगे, जिससे यूरिया ऑक्जेलेट के वाइट प्रेसिपिटेट मिलते हैं। टेस्ट ट्यूब में यूरिया ऐड करेंगे और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन ऐड करेंगे। और टेस्ट ट्यूब को गर्म करके टेस्ट ट्यूब के ऊपर वाले हिस्से पे वेट टर्मरिक पेपर रखेंगे। यहाँ गर्म करने से एमोनिया वायु लिब्रेट होता है, जिससे टर्मरिक पेपर रेड कलर का होता है।
यहाँ यूरिया का हाइड्रोक्लोरिक एसिड में सॉल्यूशन बनाया गया, उसमें सोडियम नाइट्राइट का एक्वियस सॉल्यूशन ऐड करेंगे, जिससे नाइट्रोजन गैस तीव्र गति से उत्पन्न होने से यहाँ बुदबुदाहट होती है, यानी कि नाइट्रोजन गैस रिलीज होता है। इस तरह हम यूरिया के कन्फर्मेटिव टेस्ट से उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं।